नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसीता उन्नीकृष्णन, सहायक निदेशक इग्नो क्षेत्रीय केंद्र कोच्ची के सारे स्टाफ के तरफ से आप सबका इस फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। यह फेसबुक लाइव सेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हम सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो इग्नो के द्वारा चलाए गए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में हम आपको बता सके। ये जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, ये सारे जो प्रेषक है जो ये लाइव सेशन देख रहे हैं, वो एज एन एड ऑन क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। तो इस फेसबुक लाइव सेशन के द्वारा मैं आपको कुछ चीज़ें जैसे कि बताने वाली हूँ, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में, और हमारे एड ऑन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो आप आसानी से कर सकते हैं, उनके बारे में मैं इस लाइव सेशन में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि क्यों हम ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इग्नो से करें। तो हम इग्नो के प्रोग्राम्स के जो पाठ्यक्रम है इग्नो का, उसका जो मेन फोकस होता है वो है स्किल एनहांसमेंट। स्किल एनहांसमेंट मतलब हमारे कौशल को बढ़ाना। उसके अलावा हमारा जो करियर है उसको बढ़ोतरी देने के लिए भी इग्नो के ये प्रोग्राम्स बड़े फायदेमंद होते हैं। उस फिर काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमारा एज एन इंडिविजुअल हमारा जो प्रोफाइल होता है उसको एक बढ़ोतरी देने के लिए भी ये जो प्रोग्राम्स अगर आप करेंगे तो ये आपके काम आएगा। ये आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ावा देगा और ये आपके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको भी बढ़ोतरी देगा। तो इस इन कारणों की वजह से हम आग्रह करते हैं कि आप इग्नो से ये एड ऑन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम कीजिए, और ये ओवरऑल आपके बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए भी एक सही दिशा रहेगी। तो इग्नो हम जैसे अगर हम इग्नो का एक माध्यम देखते हैं, इट्स कॉल्ड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के माध्यम से ही हम इग्नो के सारे प्रोग्राम्स पढ़ते हैं। तो कुछ इग्नो की विशेषताओं के बारे में मैं इस स्लाइड के द्वारा आपको बताना चाहूंगी। इग्नो जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी है, वो एक NAAC A++ एक्रेडिटेड शैक्षिक संस्थान है। ये स्थापित हुआ था 1985 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, और हमारे जितने प्रोग्राम्स है इग्नो के जितने प्रोग्राम्स आज की तारीख में जो दिए जा रहे हैं वो सारे NEP 2020 के तहत आने वाले प्रोग्राम्स है। हर प्रोग्राम जो इग्नो का है उनके एक प्रोग्राम गाइड होती है, और ये प्रोग्राम गाइड आपको हमारे ओपन रिसोर्स सेंटर, इग्नो का एक सबसे बड़ा ओपन रिसोर्स सेंटर है ई ज्ञान कोश, इसके तहत आप इस प्रोग्राम गाइड हमारे हर प्रोग्राम के प्रोग्राम गाइड को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है वो है https://eGyankosh.ac.in। सारे जो हमारे प्रोग्राम्स है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करते हैं, और ये कुछ कुछ प्रोग्राम्स में एक मॉड्यूलर अप्रोच है। जैसे कि आप MSc CFT प्रोग्राम ले लीजिए, तो अगर आप फर्स्ट ईयर ये MSc CFT प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको PGD CFT की डिग्री प्रमाणित होती है, और MSc CFT के कंप्लीट 2 वर्ष के बाद आपको MSc CFT की डिग्री प्रमाणित होती है। तो इसका मतलब मॉड्यूलर अप्रोच का जो मतलब होता है कि आप एक प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं पर आपको अंत में 2 डिग्रियां मिलती हैं। और हमारे जो सारे प्रोग्राम्स है वो एक नीड बेस्ड एनालिसिस के बाद दिए जाने वाले प्रोग्राम्स हैं, और ये सोशली और एकेडमिकली रेलेवेंट प्रोग्राम्स माने जाते हैं। तो अब तक मैंने जो आपसे शेयर किया था वो है इग्नो के बारे में और इग्नो के कुछ फीचर्स के बारे में। तो अब मैं आगे आपको कुछ और फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगी। एक फीचर जो इग्नो की सबसे खास है वो है इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक रेगुलर सिस्टम में पढ़ते हैं
तो उस रेगुलर सिस्टम में आपको एक टीचर है जो आपको सपोर्ट करता है और जो आपको पुश करता है कि आपको इस टाइम पे ये असाइनमेंट सबमिट करना है, आपको अभी एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरना है और अभी आपको एग्जामिनेशंस लिखने हैं। पर इग्नो का जो अप्रोच होता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, जिसमें जो स्टूडेंट होता है उसी पे फोकस ज़्यादा हुआ ज़्यादा होता है। और अगर आप ऐसे इग्नो स्टूडेंट बोल रहे हैं तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो सबसे बड़ी खास चीज़ है अगर इग्नो का, अगर आपको प्रोग्राम पढ़ना है। हर इग्नो के प्रोग्राम में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके जो ड्यूरेशन और प्लेस और पेस को लेके। जैसे कि इग्नो का जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम है, 6 माही प्रोग्राम है इग्नो का सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पर मैक्सिमम आप 2 वर्ष में इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो 1 वर्षीय प्रोग्राम है, उसका मिनिमम ड्यूरेशन मतलब जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 1 वर्ष है और मैक्सिमम ड्यूरेशन है 2 वर्ष। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको इग्नो प्रदान करती है। अगर आपने इग्नो क्षेत्रीय केंद्र कोच्चि में एडमिशन लिया है और अगर आप कोई जॉब ट्रांसफर की वजह से आप कहीं कश्मीर या गुजरात चले जाते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ट्रांसफ़र वहाँ के क्षेत्रीय केंद्र में करा सकते हैं और इसी तरह अपना अध्ययन कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो परीक्षा भी है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इग्नो से कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको इग्नो में ही मिलती है, क्योंकि इग्नो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इग्नो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज करता है। जैसे आपने ज्ञान दर्शन देखा होगा जिसमें हमारे काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियोस अपलोडेड हैं। उसके अलावा हमारा जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज नेटवर्क है वो ऑल ओवर इंडिया है और हमारे सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल होने यूनिवर्सिटी होने की वजह से हमारे सारे प्रोग्राम्स का जो फी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो अब मैं आपको इग्नो में प्रवेश लेने के कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। इग्नो में जो प्रवेश का दौरान है वो है 2 बार होता है वर्ष में, पहली बार होता है जनवरी में और दूसरी बार होता है जुलाई सेशन में। तो जो प्रवेश हम इग्नो में कोई भी पाठ्यक्रम के लिए लेते हैं वो 2 टाइम पे ले सकते हैं, जनवरी और जुलाई में, और ये ऑल ओवर द ईयर कंटिन्यू भी रहता है, पर ये 2 सेशन होते हैं वो प्रधान होते हैं। तो अब जो ये सेशन चल रहा है वो है जुलाई सेशन, और इस सेशन में सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। हर जो प्रोग्राम है हर एक विषय को कंप्राइज करता है, जैसे कि ईच कोर्स हम जो बोलते हैं वो है विषय बोलते हैं, और हर विषय की एक वैल्यू होती है वो है क्रेडिट सिस्टम। हर क्रेडिट मतलब एक क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि आप एक क्रेडिट में 30 घंटे की आपको पढ़ाई करनी होती है और इस 30 घंटे की पढ़ाई में आपका सब कुछ आ जाता है। जैसे आप नोट्स लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, आपने कोई वीडियो देख लिया, ऑडियो देख लिया, तो इस हिसाब से जो एक इग्नो का अप्रोच है वो है क्रेडिट बेस्ड अप्रोच जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा एक और जो सहूलियत जो होती है बच्चों को वो है कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इग्नो, CRCS स्कीम ऑफ इग्नो। इसके बारे में भी मैं आपको अगले स्लाइड में कुछ इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगी। इस कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन स्कीम में आप एक सिंगल कोर्स और या तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ, अगर आपको कहीं अब्रॉड जाना है और आपको कुछ क्रेडिट्स कम पड़ रहे हैं आपके पढ़ाई के लिए तो आपको कुछ क्रेडिट्स और चाहिए, जैसे कि आपको एक 8 क्रेडिट की कुछ कमी महसूस हो रही है किसी कोर्स अब्रॉड अप्लाई करने में और आपको ये 8 क्रेडिट्स कहीं अच्छे एक यूनिवर्सिटी से आपको चाहिए, तो ऐसे एक संदर्भ में आप इग्नो का ये स्कीम अवेल कर सकते हैं जिसका नाम है कोर्स वाइज रजिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन स्कीम। इसमें आप हमारे कोई भी प्रोग्राम से, आपको अगर कोई विषय पसंद हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या विषय आपको पसंद है, तो उस विषय को आप ऑप्ट करके उस विषय की खाली परीक्षा आप दे सकते हैं
और ये स्कीम जो है ये दोनों साइकिल ऑफ एडमिशन में उपलब्ध है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो सारे कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं, जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं वो बिल्कुल सारे कॉम्बिनेशन में इसको ले सकते हैं। ये सिर्फ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स और अवेयरनेस और एप्रिसिएशन लेवल प्रोग्राम्स में ये लागू नहीं होते। ऐसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इस फेसबुक लाइव से मेरा उद्देश्य जो है आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफ इग्नू के बारे में बताना है। अभी हमारा जुलाई सत्र का एडमिशन प्रवेश चल रहा है, लास्ट डेट 30 जून 2023 है और आप इस सत्र में हमारे जितने सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो है 78 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो इस पाठ्यक्रम में दिए जा रहे हैं। और ये जो 78 सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो जुलाई और जनवरी साइकिल में ऑफर किए जा रहे हैं। मैं एक एक करके आपको ये जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम से जस्ट पढ़ के बताती हूँ और इसकी विशेषताएं मैं आपको दौरान बताती रहूंगी। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस CLIS, जिनको लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में इंटरेस्ट है वो ये प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए वो ये प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज, जिनको एनवायरमेंट रिलेटेड जो एरियाज है उसमें अगर इंटरेस्ट हो तो वो सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर B.R. अंबेडकर CLTA, सर्टिफिकेट इन पीस स्टडीज एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ये हमारा काफ़ी प्रख्यात प्रोग्राम है जो है सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। ये 7 या 8 भाषाओं में अवेलेबल है, जैसे कि मलयालम, इंग्लिश, तमिल आदि। तो आप ऑल ओवर इंडिया अगर इस प्रोग्राम को अपने जो लैंग्वेज ऑफ इंटरेस्ट से ये परस्यू कर सकते हैं। दूसरा है सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन अपैरल मर्चेंडाइजिंग। सर्टिफिकेट इन अपैरल मर्चेंडाइजिंग एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोग्राम है, जिसको अपैरल मर्चेंडाइजिंग में इंटरेस्ट है वो ये प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। वेरी रीसेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड। सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। जो अध्यापक हैं जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उनके लिए प्रोग्राम अच्छी है। सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश बेसिक लेवल, सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेटिव संस्कृत, इंडियन कैलेंडर भारतीय कालगन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम, सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित, जो वैदिक मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं ये एक रिसेंटली लॉन्च प्रोग्राम है और अगर आपको वैदिक मैथ्स में इंटरेस्ट है तो निश्चय ही आपको ये प्रोग्राम में एनरोल करना चाहिए। सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स प्रोग्राम, ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिसमें एज अ जो पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो पब्लिक के साथ जिनको डीलिंग होती है उनके लिए ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सर्टिफिकेट इन कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव लॉ एंड बिजनेस लॉ, सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, सर्टिफिकेट इन जेंडर इन लॉ, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन NGO मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स, जिनको IT स्किल्स अपने बढ़ाने हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने हैं, ये रिसेंटली एक न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है वो ये कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स, एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट इन फैशन डिज़ाइन, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबॉरेटरी टेक्निक, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स, सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, जिनको HIV के क्षेत्र में जो NGOs वगैरह होते हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम अच्छा है। सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो पुलिस पर्सनल है जो प्रिजन में जो काम करते हैं उनके लिए सब ये प्रोग्राम अच्छा है। सर्टिफिकेट इन ट्राइबल स्टडीज, जो ट्राइबल एरिया में काम करते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम अच्छा है। सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर, सर्टिफिकेट इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, और ये इतने सारे हमारे लैंग्वेज बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। अगर
कोई भी लैंग्वेज आपको जो इंटरेस्ट हो और जो बाहर जाने वाले होते हैं, जो एब्रॉड जाते हैं, वो डेफिनेटली प्रोग्राम्स परस्यू करके हैं करते हैं. सर्टिफिकेट इन अरबिक लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज, रशियन, जापानीज, कोरियन, स्पैनिश, पर्शियन लैंग्वेज, तो इतने सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे. सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा, सर्टिफिकेट इन हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर, सर्टिफिकेट इन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन जीरियाट्रिक केयर असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन प्लेबेटोमी असिस्टेंट. दिस इज अ, ये जो प्लेबेटोमी असिस्टेंट है एक न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है, स्पेशली जो लेबॉरटरीज हैं, जो हमारे मेडिकल लेबॉरटरीज हैं उनमें असिस्ट करते हैं, जो ब्लड सैंपल्स लेते हैं, तो उसके बारे में पढ़ने का ये प्रोग्राम है. सर्टिफिकेट इन प्लेबेटोमी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन होम हेल्थ असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, सर्टिफिकेट इन एडोलेसेंट एंड एडोलेसेंट हेल्थ एंड काउंसलिंग, सर्टिफिकेट इन विजुअल आर्ट्स, सर्टिफिकेट इन विजुअल आर्ट्स अप्लाइड आर्ट्स, सर्टिफिकेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि थिएटर आर्ट्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक, भरतनाट्यम, और सर्टिफिकेट इन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस, सर्टिफिकेट इन सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट टेक्निक्स, सर्टिफिकेट इन कंडीशन मॉनिटरिंग, अ न्यूली लॉन्च प्रोग्राम. ये जैसे BPOs में वगैरह जो वर्क करने वाले उनके लिए, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो BTech एस्पिरेंट्स है उनके लिए न्यूली लॉन्च एक प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन कंडीशन मॉनिटरिंग, सर्टिफिकेट इन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन वैल्यू एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी रेडियो, सर्टिफिकेट इन जेंडर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन जेंडर एंड साइंस. सो इतने 78 प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हैं जो इग्नो अभी फिलहाल ऑफर करता है, और ये सारे प्रोग्राम्स में मिनिमम जो ड्यूरेशन है 6 मास के ये प्रोग्राम्स हैं, और इसका जो बेसिक एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हर प्रोग्राम का होता है मोस्टली 10+2 होता है मोस्टली, पर कुछ कुछ जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बदल भी सकता है. इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन 6 मास का है और मैक्सिमम आप इसको 2 वर्ष में कंप्लीट कर सकते हैं. तो अभी तक इस फेसबुक लाइव सेशन में मैं आपको इग्नो के बारे में बता चुकी हूँ, इग्नो के फीचर्स के बारे में बता चुकी हूँ, इग्नो के हाइलाइट्स के बारे में बता चुकी हूँ, और इग्नो के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के बारे में बता चुकी हूँ. तो अब आगे मैं जो बताने वाली हूँ इग्नो के डिप्लोमा प्रोग्राम्स के बारे में, तो टोटल हमारे पास इग्नो के पास 25 डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफर में हैं, और ये दोनों साइकिल ऑफ एडमिशन्स में ऑफर होते हैं, जैसे कि जुलाई सेशन और जनवरी सेशन. तो अब मैं आपको ये डिप्लोमा प्रोग्राम कौन कौन से हैं पढ़ के बताती हूँ. डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DCE, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन DNHA, डिप्लोमा इन पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट DPLAD, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर. सो एक चीज़ इसके बारे में बताना चाहती हूँ, हमारे जो सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन है और मैक्सिमम आप इसको 2 वर्ष में ख़त्म कर सकते हैं. इसके अलावा डिप्लोमा इन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, डिप्लोमा इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड फिनांस एंड अकाउंटिंग, एक नया डिप्लोमा प्रोग्राम है जो रिसेंटली लॉन्च्ड है. डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, ये भी एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोग्राम है. डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन एक्वाकल्चर, डिप्लोमा इन रिटेलिंग, डिप्लोमा इन टीचिंग जर्मन एज फॉरिन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स, डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. तो ये इतने जो मैंने 25 प्रोग्राम आपको गिनवाए थे वही हैं जो 25 डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो अभी हाल में इग्नो ऑफर कर रहा है अपने जुलाई एडमिशन साइकिल में, जुलाई
2023 एडमिशन साइकिल जिसकी लास्ट डेट है 30 जून। तो अब कुछ प्रोग्राम्स जो क्षेत्र के हिसाब से मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ कि अगर आपको एचआईवी और फैमिली एजुकेशन के क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, अगर आपको इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ हमारा कैफे और डेफे प्रोग्राम ज़रूर कीजिए एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फैमिली एजुकेशन। ये जो दो प्रोग्राम है हमारे डिप्लोमा एज वेल एज सर्टिफिकेट प्रोग्राम में अवेलेबल है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास इतना समय नहीं है इस प्रोग्राम को डिवोट करने का, तो आप प्लीज़ सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑप्ट कीजिए इंस्टेड ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम। इसके अलावा एजुकेशन क्षेत्र में अगर आपको शैक्षणिक क्षेत्र में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप हमारी इन प्रोग्राम्स को कर सकते हैं, जैसे कि डीपीवी डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन वैल्यू एजुकेशन सीटीई, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फंक्शनल इंग्लिश, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन गाइडेंस सीटीपीएम सीपीडीडी, तो ये प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ हमारा डिप्लोमा इन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फिनांस इन आउट अकाउंटिंग वाला प्रोग्राम ज़रूर कीजिए। ये हमारा एक न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है जो आप इस सेशन से ऑफर में हुआ है, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ऑप्ट कीजिए। डीमॉप मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस वाला जो प्रोग्राम है, ये भी काफ़ी डिमांड में है। डिप्लोमा DIRIL भी प्रोग्राम, डिप्लोमा इन रिटेलिंग, जिसको रिटेलिंग में इंटरेस्ट है वो ये प्रोग्राम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लॉज जानने की ज़रूरत है उनको ये प्रोग्राम कर सकते हैं। CETM प्रोग्राम अगर आप जिसको इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जिनको एनर्जी टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है वो ये प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। CCLBL यानी कि सर्टिफिकेट इन कॉपरेशन कॉपरेटिव लॉ एंड बिजनेस, दिस इज़ एक न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है, तो आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे डिज़ास्टर्स की प्रक्रिया बढ़ चुकी है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो आज की तारीख में बढ़ता जा रहा है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर में हैं इग्नो में, जैसे कि सर्टिफिकेट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स प्रोग्राम, सर्टिफिकेट इन एनजीओ मैनेजमेंट प्रोग्राम और सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये आदि प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लीगल प्रोग्राम्स की अगर आप बात करें, तो लीगल सर्विस प्रोग्राम्स में कुछ एक प्रोग्राम्स इसके अंतर्गत आते हैं, जिनको लीगल सर्विसेज में इंटरेस्ट है वो डिप्लोमा इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, डिप कर सकते हैं, CHR कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन सोशल वेलफेयर एंड सोशल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं, CCLBL कर सकते हैं, सर्टिफिकेट CG सर्टिफिकेट इन जेंडर एंड लॉ कर सकते हैं। तो लीगल सर्विस में जिनको इंटरेस्ट है वो ये सब प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्त्री कल्याण में जिनको इंटरेस्ट है, स्त्री कल्याण मतलब वुमन वेलफेयर में जिनको इंटरेस्ट है, वो डिप्लोमा इन वुमन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन जेंडर एंड लॉ, ये आदि प्रोग्राम्स और CGSCI, ये सब प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। आजकल IT सेक्टर काफ़ी आगे हैं और IT सेक्टर में काफ़ी जो बच्चे हैं वो एनरोल करने की कोशिश करते हैं, तो IT सेक्टर में जिनको इंटरेस्ट है वो CIT प्रोग्राम कर सकते हैं, CCIT SK प्रोग्राम कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स प्रोग्राम और ACISC प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट में जिनको इंटरेस्ट है वो CGAS प्रोग्राम कर सकते हैं इग्नो से, या फिर वो सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज कर सकते हैं, टूरिज्म सर्टिफिकेट इन एनर्जी CTM प्रोग्राम, एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं, CWHM प्रोग्राम कर सकते हैं,
इसके अलावा काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लैंग्वेजेस सीखने की काफ़ी इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया काफ़ी सारे लैंग्वेज रिलेटेड प्रोग्राम्स इग्नो ऑफर कर रहा है, जिसमें है डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज और स्पैनिश लैंग्वेज, तो ये सब लैंग्वेजेस आप ऑप्ट कर सकते हैं, पर्शियन लैंग्वेज। इसके अलावा हमारे जो आहार रिलेटेड प्रोग्राम, जैसे कि हम जो फूड खाते हैं, जो फूड लेते हैं, अगर फूड जो हमारे फूड प्रक्रिया के रिलेटेड इंटरेस्ट जो फील्ड होते हैं उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हैं या सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर कर सकते हैं। तो शिशु प्रति फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, चाइल्ड रिलेटेड फील्ड्स में आपको अगर इंटरेस्ट है, तो हमारा DEC प्रोग्राम और CNCC सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्रिएटिविटी बेस्ड प्रोग्राम करने हैं तो आप डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग और सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फंक्शनल इंग्लिश जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑप्ट कर सकते हैं। जिनको लाइब्रेरी साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है वो हमारा सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस प्रोग्राम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब तक मैं आपको जो इस फेसबुक लाइव के द्वारा मैं आपको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफ इग्नो के बारे में बता चुकी हूँ। इसके अलावा एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे इग्नो कोर्सेस जो हैं वो स्वयं पोर्टल में भी अवेलेबल है। स्वयं का जो मतलब है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है, और इसकी जो वेबसाइट है https://swayam.gov.in। आप अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके स्वयं के तमाम प्रोग्राम्स, आपके इंटरेस्ट के प्रोग्राम्स आप इस पे ऑप्ट कर सकते हैं, और इग्नो के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स स्वयं पोर्टल पे पोर्टल पे अवेलेबल है। इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड जो कोर्सेस होते हैं वो भी स्वयं पोर्टल पे शिक्षक इवन बच्चों इवन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो मेरा ये सब लोगों से आपसे आग्रह है कि आप इतना तो सुन चुके हैं मुझे, आपको एक थोड़ा सा आइडिया तो आ चुका होगा कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफ इग्नो कौन कौन से हैं और आपका कौन सा क्षेत्र है, उस हिसाब से आप कोई भी एक प्रोग्राम्स में एनरोल करें। इग्नो के जो प्रवेश है वो अभी ओपन है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन्स जो है वो 30 जून 2023 है। जो इसका लिंक है आप किस तरह से इसमें प्रवेश ले सकते हैं उसका जो लिंक है वो है https://igno.admission.samarth.edu.in। अगर आप हमारे इग्नो के मेन वेबसाइट पे जाएंगे www.igno.ac.in, आप अगर रजिस्टर ऑनलाइन पे होम पेज पे ये ऑप्शन अवेलेबल है और क्लिक ऑन फ्रेश एडमिशन करेंगे तो आपको यही लिंक अवेलेबल होगा igno.admission.samarth.edu.in। आप प्लीज़ मेरा सबसे आग्रह है कि आप कोई एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम ज़रूर कीजिए और अपने करियर या अपने प्रोफाइल की बढ़ोतरी कीजिए। इसके अलावा आपको इस सेशन के बारे में या फिर कोई भी एक प्रोग्राम के बारे में अगर आपको कोई जानकारी जाननी हो तो आप प्लीज़ हमें लिख सकते हैं rccochin@igno.ac.in। इसके अलावा मैं इग्नो क्षेत्रीय केंद्र कोचिन का कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इग्नो की जो वेबसाइट है www.igno.ac.in, जो लिंक है ऑनलाइन एडमिशन का वो आप ज़रूर नोट कीजिए https://igno.admission.samarth.edu.in। अगर आपको इग्नो के कोई भी स्टडी मटेरियल्स फ्री डाउनलोड करने हैं तो आप प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे जाइए https://eGyankosh.ac.in और इग्नो के सारे जो स्टडी मटेरियल्स हैं सॉफ्ट कॉपी में इस कोश में अवेलेबल है। इसके अलावा इग्नो क्षेत्रीय केंद्र कोच्ची का जो वेबसाइट है वो http://rccochin.igno.ac.in है। आप इस पे भी जाके क्षेत्रीय केंद्र कोच्ची के काफ़ी जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आप जान सकते हैं इस वेबसाइट से। हमारा एक न्यूज़लेटर भी है जो काफ़ी सारे इश्यूज़ जो एक्टिविटीज़ ऑफ द रीजनल सेंटर जो है इस न्यूज़लेटर के द्वारा प्रकाशित होता है, और ये न्यूज़लेटर भी आपको इस रीजनल क्षेत्रीय केंद्र कोच्ची के वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपको
कुछ भी हमसे सवाल करने हो या कुछ एक आपको डाउट हो तो आप प्लीज हमें लिखिए rcquestion@igno.ac.in, और हमारा जो फेसबुक पेज है प्लीज इसको आप लाइक कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। ये जो सेशन है ये भी फेसबुक लाइव इग्नो रीजनल सेंटर कोची के पेज से जा रहा है। हमारा ट्विटर अकाउंट है, मैं चाहती हूँ कि सर हमारा ट्विटर अकाउंट भी आप फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है आरसी कोचिन का, तो इसको भी आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा इग्नो का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ ये सारे वीडियोज़ जो हम अभी कर रहे हैं लाइव सेशंस, ये सारे डाउनलोड होके अपलोड होते हैं। तो आपको अगर कुछ भी जैसे कि शैक्षणिक रिलेटेड वीडियोस अगर आपको आग्रह है देखने का, तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल का जो लिंक है https://www.youtube.com/igno-regional-center-kochi। बस अब मैं इस सेशन को के अंत तक आ चुकी हूँ। मेरा मुझे विश्वास है कि आप लोग इस सेशन को देखने के बाद एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो हमारा शिक्षण है वो हमेशा एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। इसके आप कुछ भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम इग्नो से करेंगे, ये आपको जीवन में कहीं ना कहीं इसका उपयोग ज़रूर होगा, और ये आपका एक फर्स्ट स्टेप है। जैसे आप इग्नो के कोई भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन लोगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो है वो आपको एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाएगा। डेफिनेटली एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने से आपका प्रोफाइल में एक बढ़ोतरी होती है। कहीं पे भी आप जॉब इंटरव्यूज पे जाएंगे तो आपको ये प्रोग्राम आपको एक एडेड बेनिफिट देने के देंगे। इस लाइव सेशन का एक्नॉलेजमेंट में सब हमारे जो स्टाफ है इग्नो क्षेत्रीय केंद्र कोची के, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। इसका जो टेक्निकल असिस्टेंस और बैक ऑफिस ऑपरेशंस के सबको मैं मेरा खूब खूब आभार प्रकट करती हूँ। अगर आपको कोई भी कोर्सेज के बारे में जानना है, आप प्लीज़ हमारे इग्नो के वेबसाइट पे www.igno.ac.in पे जाइए और आप हमारा इग्नो कॉमन प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे प्रोग्राम्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मैं हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर जी एस चौरती मैडम का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये लाइव सेशन करने का मौका दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और आप सबका धन्यवाद जो आपने ये हमारा वीडियो है वो देखा। आपको ये वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब चैनल इग्नो रीजनल सेंटर कोचिन पे। धन्यवाद।